हाय, वन पीस का चैप्टर 1082 ऑफिशियल तो नहीं बट अनऑफिशियली साइट्स पर आ चुका है। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। एंड मैं आ गया अपना शिटी एस ओपिनियन देने, जो कि मैं दूंगा आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। इमेजिन अगर तुम एक दिन उठते हो एंड यू सी कि तुम नेपोलियन बन गए हो। नेपोलियन मतलब वो बिग मॉम का गुलाबी स्वॉर्ड। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? वेल, ये हरकत हो जाता है रोलिन के साथ, जो कि है मेन कैरेक्टर ऑफ द वन पीस फैन फिक्शन कॉल्ड वन पीस बीटिंग ओल्ड आंट्स। ये फैन फिक्शन एक वेब नॉवल है एंड ये तुम्हें मिल जाएगा नोवेल ड्रैगन में। नोवेल ड्रैगन के एक कमाल का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट है, जहाँ पर तुम्हें बहुत से वेब नॉवल्स मिल जाएंगे डिफरेंट जॉनराज के। तुम्हें यहाँ पे बहुत से फैन फिक्शन भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोवेल ड्रैगन के ऐप का लिंक डाल दिया है, यू कैन डाउनलोड इट इन योर एंड्रॉयड एज वेल एज इन योर iOS फोन्स। वन पीस बीटिंग ओल्ड आंट का भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड हाँ, इफ यू ज्वाइन देयर डिस्कॉर्ड सर्वर, साइन अप करने के बाद यू विल गेट फ्री 50 ब्रिक्स। इसलिए ज़रूर से इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना एंड ऐप भी चेकआउट कर लेना। नाउ कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। ये चैप्टर आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत भी अच्छा नहीं लगने वाला। मुझे एकदम स्पेशल नहीं लगा ये, बट कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत पसंद आया मुझे। तीन डिफरेंट सिचुएशंस दिखे हैं, एक मरीन्स के अराउंड, एक क्रॉस गिल्ड के अराउंड एंड फाइनल वन रिवोल्यूशनरी आर्मी के अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मरीन सिचुएशन। सेंगोकू दिखाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विथ जिल्फ सुरू एंड इट्स नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग कि इन दोनों को पता ही नहीं है कि गार्फ चल दिया है हाचिनोजू कोबी को बचाने। सेंगोकू गार्प एकदम राइस क्रैकर बड़ी बन गए हैं भाई। पहले सेंगोकू खाखू लिया था गुस्से में गार्प का क्रैकर और अब दोनों रिव्यूबाजी करते हैं मिलके। नाइस। टीबोन इज स्किल्ड। टीबोन अगर तुम्हें याद नहीं है तो इट्स द वाइस एडमिरल जो जोरो से लड़ा था वाटर 7 में शायद, एनियस लॉबी आर्क में शायद। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था। ये माइनर कैरेक्टर था, ये काफ़ी एज में नहीं स्क्रीन टाइप के हिसाब से, ठीक है। टीबोन को अपेरेंटली एक सिविलियन ने मारा है, ना कि एक पायरेट ने, टू गेट द बाउंटी मनी फ्रॉम क्रॉस गिल्ड। ये शायद कुछ लोगों को अजीब थोड़ा लग सकता है कि पायरेट्स के बाउंटी तो वन पीस में कोई क्लेम नहीं कर पाता, मरीन्स पे आ गई तो अचानक से चमत्कार होने लगा। बट आई थिंक मरीन्स को मारना ईजियर है सिविलियंस के लिए एज़ कम्पेयर टू पायरेट्स को मारना, क्योंकि पायरेट्स दल्ले होते हैं, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और इधर उधर घूमते रहते हैं। वेर एज मरीन्स रिस्पॉन्सिबल है पीस मेंटेन करने के लिए, उनको बैकस्टेप किया जा सकता है अनलेस मरीन अकाइनो जैसा कोई हो तो। भाई अकाइनो तो सिविलियंस पे पायरेट्स भी ज़्यादा अत्याचार करेगा। एनीवेज, द पॉइंट इज कि क्रॉस गिल्ड हैज़ बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर नेवी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्रॉस गिल्ड की बात करी लिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन, जो कि अराउंड है क्रॉस गिल्ड। क्रॉस गिल्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, हम सब इसे इतना भी सीरियस नहीं लिए थे। लिए भी तो हम ये चीज़ से एक्साइटेड थे कि मिहॉक बगी क्रोकोडाइल एक साथ आके कितने हरकतें करेंगे, ना कि इस चीज़ से कि क्रॉस गिल्ड क्या बनेगा बाद में। एंड आज के टाइम पे क्रॉस गिल्ड ऐसा बन गया है ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पेशली मरीन्स के लिए एट प्रेजेंट सबसे बड़ा खतरा ही क्रॉस गिल्ड है शायद से। क्रॉस गिल्ड के पास एट प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है भाई, इतने स्ट्रॉन्ग कि मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली चैलेंज कर नहीं सकते। एंड इनको सिर्फ मनी देना है बस, बाकी भाई काम तो सिविलियंस और पायरेट्स कर ही देंगे इनके लिए। ऐसा हो गया अभी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मरीन्स की भार दी है क्रॉस गिल्ड वालों ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी उन पर ही फेंक दिया इन्होंने एंड सरप्राइजिंगली इट्स मोर इफेक्टिव। मिहॉक क्रोकोडाइल ने ये चीज़ काफ़ी सोच समझ के किया है एंड दे न्यू द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस गिल्ड, दैट इज़ केओस। इस चैप्टर में हमें मोटिव भी बताया गया क्रॉस गिल्ड का, एक्चुअली क्रोकोडाइल का। ही वॉन्ट्स टू मेक अ मिलिट्री स्टेट, आसान भाषा में एक पावरफुल कंट्री। एंड ये चीज़ काफ़ी स्मार्ट चीज़ है, क्योंकि दिस माइट अलाउ क्रोकोडाइल एंड मिहॉक टू हैव सम नेगोशिएशंस विद वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड शायद उसके बाद क्या पता ये रेवरी का भी पार्ट बन सकते हैं। द सेम फकिंग प्लान जो ब्लैकबेट का भी था एंड क्रॉस गिल्ड पे ज़्यादा स्टेक्स है टू ट्रेड फॉर दिस डील, तो क्रॉस गिल्ड का रेवरी एंटर करना इज एक्चुअली पॉसिबल। एंड रेवरी एंटर हो गया तो भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट टारगेट ही नहीं कर पाएंगे इनको। डैम, क्रोकोडाइल क्या समझदार बंदा है भाई, ये सब उसने इंपल टाउन में प्लान कर लिया होगा शायद। अब वो मौका खोज रहा था हरकत चालू करने का एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट गेव हिम दिस चांस एंड किस्मत देखो इसकी आई, चांस के नाम पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मिल गया, मैसिव डब्लू। लेकिन इस चैप्टर का MVP मुझे जो लगा है वो है बग्गी, नो डाउट, क्योंकि बग्गी ने इन दोनों स्ट्रॉन्ग एस दल्लों को ये दिखाया है इस चैप्टर में कि उसका इन्फ्लुएंस इज स्टिल द मोस्ट इन द क्रॉस गिल्ड। इवन दो ही इज़ जस्ट अ फेस, हिज रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन क्रॉस गिल्ड। एंड ये जो बग्गी ने पूरा बोला ना सबके सामने कि हम भी वन पीस खोजेंगे,
ये एक बहुत बड़ा चीज़ था क्योंकि दिस ऑफिशियली कन्फर्म्स कि चारों एम्परर एट दिस पॉइंट सिर्फ एक चीज़ एम कर रहे हैं, दैट इज़ वन पीस। ऑल्सो दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट क्रोकोडाइल एंड मिहॉक्स प्लान टू मेक अ मिलिट्री स्टेट। अच्छा लगा बकी का ऐसा ब्रेव हरकत देख के, ही शोड मिहॉक एंड क्रोकोडाइल की पायरेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। एंड बकी वॉन्टेड शैंक्स टू बिकम द नेक्स्ट पायरेट किंग, हा दैट्स सम कैरेक्टर डेवलपमेंट, आई लाइक इट। मेरे को मज़ा आया बकी का पूरा कैरेक्टर देख के इस चैप्टर में, बकी बेस्ट था इस चैप्टर में। वैसे जो डोकरा सा बंदा हमें दिखा है जिसके घर वालों पे टी बोन का बाउंटी का पैसा गया है, यू थिंक कि इसने टी बोन को मारा है? बैकस्टेप के केस में शायद हो सकता है ऐसा, बट इज ही रियली स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल अ वाइस एडमिरल? आई थिंक टी बोन को किसी और ने मारा है एंड उसने इस डोकरे को क्रेडिट दे दिया। अगर ऐसा है तो आई एम श्योर कि जिस भी बंदे ने टी बोन को एक्चुअली में मारा है, ही इज इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी एंड ही इज स्ट्रॉन्ग। द मैन विद बर्न स्कार में भी क्या बता। एंड डिड यू नोटिस कि मिहॉक ने लूफी को एक थ्रेट समझा जस्ट लाइक ब्लैकबेर्ड एंड शैंक्स? डैम, मिहॉक नॉट अंडर एस्टिमेटिंग टैलेंट, लेट्स गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइनल सिचुएशन। साबु दिखाए हमें, ही इज सेफ एंड ही इज विद ड्रैगन नाउ इन कम्बाका किंगडम। कम्बाका ही था ना शायद, वो कैसे जिंदा है उसका रीजन मुझे लेम लगा, बट ठीक है। कुछ रेवो के नए मेंबर्स दिखे हैं जो कि ठीक ही है। ये अंडा वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये लास्ट वाला योनजी और लकीरू का बच्चा लग रहा है। दिस गर्ल कैरेक्टर इज वॉट, सीक्रेट एडमायरर ऑफ किड। इसके हाथों से ये ब्लास्ट ब्लूस्ट कर सकती है बाय द वे। एंड ये गाय है कि क्या है, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। एंड डिड यू सी द मिल्क गर्ल, एस वाली? शी इज सेफ नाउ इन कम्बाका टू। बट ये सारी फालतू बातें, मेन है द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ साबो। नाउ ही इज गोइंग टू टेल की रेवरी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, विच मीन्स कि हमें साबो के थ्रू इमुसामा का आइडेंटिटी पता चल सकता है, क्योंकि साबो ने देखा था ना कि मेन थ्रोन खाली नहीं है। एंड उसने इमो को देखा है, क्या उसने शक्ल देखा है? दैट्स द क्वेश्चन। साबो पे एट प्रेजेंट एक ऐसा इन्फो है जो हम व्यूअर्स एज वेल एज वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को हिला के रख देगी एंड जल्दी हमें चीज़ पता चल जाएगा। शायद इसलिए बोला क्योंकि दिस इज ओडा वी आर टॉकिंग अबाउट, एक दो साल बाद हमें ये चीज़ पता चले, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, मतलब इस वीक ब्रेक था और यही चैप्टर नेक्स्ट वीक भी ऑफिशियली आएगा। तो अब अगला नया चैप्टर दिखेगा अगले के अगले थर्सडे, विच मीन्स कि टेक्निकली नेक्स्ट वीक ब्रेक ही है, ठीक है। बट उसके बाद वाला वीक में ब्रेक नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट रेवरी, बट इसमें टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। बकी के और क्रॉस गिल्ड के एक्शंस देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इट्स बिन 3 चैप्टर्स एंड हमें एगहेड का कुछ नहीं दिखाया गया है। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में एगहेड ही हमें दिखेगा। बकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड उसका ऐसा आउटशाइन का नाम मिहॉक क्रोकोडाइल को मुझे अच्छा लगा। इसी बात पे सब कमेंट्स में गंद हक दो बग्गी डी क्लाउन लिख के। आउकीजी वर्सेस गाप हो रहा था, क्या वो और दिखेगा? शायद हाँ शायद नहीं, पता चला कि उसका बस आउटकम बता रहे, ऐसी दुख होगा भाई, दैट वुड बी डिसअपॉइंटिंग। ऑल राइट। एंड हाँ, पिछले वीडियो में लोग बोल रहे थे कि बर्नस्कार वाला बंदा ड्रैगन है बिकॉज ऑफ विंड पावर्स एंड ब्लैक शिप। यू थिंक सो? आई डोंट नो, लाइक मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ड्रैगन ऑलरेडी काफ़ी फेमस है यार, वाई बोदर मैंशनिंग हिम एज अ मैन विद बर्नस्कार? प्लस ब्लैकबेर्ड तो उस पर अटैक करके आ चुका है ना, उससे नहीं पता चलता कि अगर ड्रैगन स्कार वाला बंदा होता तो। वट एवर, दैट्स इट। नोबल ड्रैगन को चेकआउट करना मत भूलना एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।